क्या भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप बेईमानी से जीता है? क्या भारत को वर्ल्ड कप जिताने में ICC अपना सहयोग दे रहा था? क्या सूर्य कुमार यादव का कैच साफ कैच नहीं था? आज हम अपने वीडियो के माध्यम से इन्हीं तीन बातों पर ध्यान देंगे कि क्या ये सारी बातें जो हमारे पड़ोसी मुल्क द्वारा उठाई जा रही है वो सही है। सबसे पहले एक एक करते मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको मैं प्रूफ देने की कोशिश करूंगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है और ये लोग ऐसा कह रहे हैं उसके पीछे क्या सही में कोई तर्क है। तो सबसे पहले जो इनका तर्क है वो है कि ICC ने इंडिया को फेवर किया है वर्ल्ड कप जिताने में। देखिए ऐसी चीजें कहां से स्टार्ट हुई है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ये स्टार्ट होता है कि इंडिया का जो सेमीफाइनल था, जो सेकंड सेमीफाइनल था, वो फिक्स था कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वो गयाना में ही खेलेगा। उसके पीछे का रीजन समझने की जरूरत है। इन अनपढ़ गवारों जिनका मेंटली जो डिस्टर्ब है, जिनका क्रिकेट खत्म हो चुकी है, जिनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, जिनके जो सो कॉल लेजेंड है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी यूट्यूब चैनल से चल रही है, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लॉजिक क्या था। लॉजिक यहां सारा बैठ जाता व्यूअरशिप। अगर देखा जाए तो जितनी भी टॉप 12 या 13 जो टीम यहां पर खेल रही थी, इस टूर्नामेंट में खेल रही थी, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया से आती है। ये चार्ट है, इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो क्रिकेट देखा जाता है वो इंडिया में देखा जाता है। यही नहीं, इससे पहले जितने भी ICC टूर्नामेंट हुए हैं वो सारे के सारे व्यूअरशिप के मामले में इंडिया टॉप पे रहा है। तो व्यूअरशिप बहुत मैटर करती है। इसीलिए जब डिज्नी हॉटस्टार, जिनके पास ये राइट्स था ICC T20 2024 का वर्ल्ड कप दिखाने का, उन्होंने पहले कहा था कि भैया अगर हमारी टीम, इंडिया टीम अगर सेमीफाइनल में आती है तो हमारे टाइम जोन के हिसाब से हमारे लोग शाम के टाइम पे फ्री होते हैं। अगर आप सुबह 5 बजे मैच अगर करा दोगे या फिर दिन में मैच करा दोगे तो हमारी व्यूअरशिप नहीं आ पाएगी। हमने इतनी मोटी रकम देके आपसे ये राइट्स खरीदे हैं तो हमें उस राइट्स का पैसा रिफंड, जो हमारा मुनाफा है, वो भी बनना चाहिए। तो उसी के लिए पहले से ये प्री डिसाइडेड था। 1 जनवरी 2024 को जब ICC ने ये अनाउंस किया था तभी से ये डिसाइड था कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो वो गयाना में ही खेलेगी, क्योंकि वहां का टाइम इंडिया के टाइम के हिसाब से जो परफेक्ट टाइम है और इंडियन जो ऑडियंस है वो 8 बजे के आसपास, जिस तरीके से हमारे IPL मैच देखे जाते हैं उसी तरह से परफेक्टली वो मैच को देख सकते हैं। तो ये प्री डिसाइडेड था। अब इसमें जो फेवर की बात आती है कि जब प्री डिसाइडेड होता है, जब आपको पता होता है आप उस वेन्यू पे खेल रहे हो तो आप उस तरीके से प्रिपेयर करते हो, आपकी जो तैयारी है वो उस हिसाब से हो जाती है। एक चीज समझने की जरूरत है यहां पर कि अगर यहां पर जिस तरीके से पहले से प्रेडिक्शन था कि यहां पर 80% बारिश होने वाली है, अगर इंडिया अच्छा नहीं खेलता थ्रू आउट द टूर्नामेंट और अगर सेकंड पोजीशन पे रहता अपने टेबल में और बारिश हो जाती और अगर एक भी बॉल नहीं फेंकी जाती, क्योंकि इस मैच में एक भी रिजर्व डे नहीं था, सिर्फ 4 या 5 घंटे रिजर्व 5 घंटे रखे गए थे, डे नहीं था, तो अगर एक भी बॉल नहीं फेंकी जाती तो जो टीम टॉप पे होती वो सीधा फाइनल चली जाती, इंडिया बाहर हो जाती। मतलब इंडिया पहले से अच्छी क्रिकेट खेल रही थी तभी वो टेबल टॉप करके आई हुई थी। तो इंडिया के पास ये एडवांटेज भी था कि वो टेबल टॉप थे तो अगर वो मैच नहीं भी होता तो वो फाइनल में जाते, और अगर वो सेकंड पे होते और मैच नहीं होता तो वो सीधे बाहर आ जाते। तो ये चीज इनको समझने की जरूरत है। अब व्यूअरशिप की बात की जाए तो जो अगर देखा जाए डिज्नी हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स ने ये राइट खरीदे हुए, ये राइट्स कितने में खरीदे? 27-28 हजार करोड़ में ये राइट्स बिकते हैं। इतना पैसा तो इन भिखारी मुल्कों ने कभी देखा भी नहीं होगा, इतने में राइट्स खरीदे जाते हैं। हमारे जो IPL के राइट्स है, अगर मैं बोलूं तो जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, जो इंग्लैंड में खेली जाती है, जो फुटबॉल लीग है, उसके जो राइट्स है उससे भी ज्यादा में बिके इस साल। तो आप समझ सकते हो कि हमारी व्यूअरशिप कहाँ है, हमें हमारे लोग कितना मैच को प्यार करते हैं, कितने लोग क्रिकेट को देखते हैं। बात की जाए व्यूअरशिप की तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो 2023 का जो फाइनल हुआ था, जो 19 नवंबर 2023, ये डेट याद रहेगी हम सब इंडियन क्रिकेट फैन को, तो उसकी जो व्यूअरशिप थी वो थी 5.9 मिलियन व्यूअरशिप। उसी के साथ साथ जो वो हाइएस्ट व्यूअरशिप थी अभी तक क्रिकेट के इतिहास में। अभी अगर जो कल का मैच जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच हुआ उसकी थी 5.3 मिलियन।
तो आप देख सकते हैं कितनी व्यूअरशिप मिल रही है, और जहां व्यूअरशिप होता है वहां पैसा होता है। वहां पर आईसीसी, अगर आईसीसी की बात की जाए तो 75% रेवेन्यू आईसीसी को जो आता है वो इंडियन क्रिकेट टीम से आता है। तो वो क्यों ना अगर वो किसी तरह से वहां के ब्रॉडकास्टर को इतना सपोर्ट करते हैं तो इसमें इतना जलने वाली कोई बात है। हमारी टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट पूरे एक मैच से लेकर लास्ट मैच तक कोई मैच नहीं आ रही है। आप वो चीज देखिए ना कि आप ये देखिए कि हमने कहा हमें सेमीफाइनल, अरे हमारा सेमीफाइनल तक पहुंचना भी तो बड़ी बात थी, हमारा सेमीफाइनल फिक्स था, लेकिन सेमीफाइनल तक आने के लिए हमें कितने दौर से जाना था, कितनी टीमों को हराना था, हमें सो कॉल्ड पाकिस्तान भी हमारे साथ थे, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ था, तो उन सबको हराते हुए हमें आगे आना था। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि वहां तक हमें आना था और इन टीमों को हरा के यहां तक आना था। तो ये चीजें देखनी है। तो इन टर्म्स ऑफ आईसीसी फेवर वाला पाकिस्तानियों, ये किसी तरह से आपका तुर बनता नहीं। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव के कैच की। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा, उसने ना सिर्फ कैच पकड़ा बल्कि ट्रॉफी पकड़ी। ये फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हो, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस चीज से कि सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने इस तरीके का कैच पकड़ा और हम सबको सेलिब्रेट करने का जो 13 साल के बाद मौका दिया। अब बात करते हैं इनके कैच की। एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी जो अपने आप को साउथ अफ्रीकन बताता है, उसने एक वीडियो डाला है और कहा है कि ये बाउंड्री देखिए, बाउंड्री की लाइन किस तरीके से पीछे की गई थी और इस तरीके से चीज हुई है। तो भैया पहले तो आपको क्रिकेट रूल्स समझने होंगे। क्रिकेट के रूल्स आज इस मैच से पहले नहीं लिखे गए थे, कई हजारों मतलब कई 100 सालों पहले ये मैच के रूल्स लिखे गए थे। और जब ये लिखे गए थे तो उनमें 19.3 का ये जो रूल है वो आप पढ़ लीजिए, जिसमें कहा गया है कि जो लाइन खींची जाती है व्हाइट लाइन, अगर उस पे जो 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 पार्टिकल रखा जाता है किसी तरह का, वो किसी वजह से अगर पीछे चला जाता है, चाहे वो फील्डिंग की वजह से हो, हवा की वजह से हो, तो जो लास्ट है जो पार्टिकल रखा गया था उसी को बाउंड्री माना जाएगा। ये रूल में पहले से लिखा हुआ है। अगर इस तरीके से आप बोलोगे कि चीटिंग हुई है, ये हुई है, इंग्लैंड ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो जितनी बाउंड्री उसकी सबसे ज्यादा थी, न्यूजीलैंड को उसमें हराया गया था और इंग्लैंड को जिताया गया था, उस टाइम पे इंग्लिश मीडिया ने कुछ नहीं कहा, उस टाइम पे सो कॉल्ड पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं कहा, बांग्लादेशियों ने कुछ नहीं कहा कि भैया ये चीटिंग है, नहीं, वो गेम बुक में लिखा गया था, वो पहले लिखा गया था, उस हिसाब से सही है वो, तो इस चीज को मानना होगा। तो ये 19.3 का जो आप है इस पैराग्राफ को देखिए, इसमें पहले से लिखा गया ये चीजें और उसके अंडर में ये चीजें हुई है, क्रिकेट बुक की जो गाइडलाइन है उसके अंडर में हुई है। तो आपका ये सूर्य कुमार यादव को जो कि कैच बेईमानी है और इस तरीके की चीजें करना भी बिल्कुल फ्रॉड है, और आपको जब पता है कि आपकी टीम आप सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई, आप किस मुंह से इस तरीके की बातें करते, पहले तो आपको वो शर्म आनी चाहिए। उसके बाद क्या इंडिया ने बेईमानी करी है, किस टर्म्स में बेईमानी करी है? आपका जब आपके पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स ये बोलते हैं कि इंडिया के बॉलर्स की है ना जो बॉल है वो रिवर्स हो रही है, रिवर्स स्विंग हो रही है, उसी के साथ साथ इंडियन स्पिनर इतना अच्छा स्पिन कैसे कर लेते हैं, भाई साहब हम मानते हैं कि रिवर्स स्विंग सबसे पहले पाकिस्तानियों ने निकाली थी, लेकिन जब ये कला आई थी ना मार्केट में, जब पहली बार आई थी तो दुनिया ने इस कला को अडॉप्ट किया। उस समय अगर किसी ने बोला होता कि भैया ये तो क्रिकेट में होता ही नहीं है, ऐसा कैसे तुम कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, तो आपको कैसा लगता? नहीं होता ना, स्किल का गेम होता, वो स्किल थी, वो आपकी एक कला थी, उसको पूरी दुनिया ने माना कि हाँ यार पाकिस्तानियों में ये कला है, और उसके बाद सभी ने सीखा। अब उसके बाद उस कला पे अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी से या किसी तरह से उस पे बहुत अच्छा और काबू पा जाता है, तो आपको उसको खुश होने की जरूरत है, आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारे बॉलर नहीं कर पा रहे, ताकि हम भी वर्ल्ड चैंपियन बने, ना कि आपको उंगली उठाने की जरूरत है कि यार ये इन्होंने किया ना ये सही नहीं है, और उसके बाद आप बड़े चौड़े होकर बोलते हो कि हमने ये कला दुनिया को सिखाई है। भैया दुनिया को सिखाने के बाद आप दुनिया को सिखाई नहीं है, दुनिया ने ये कला सीखी है, ठीक है, आपसे तुक्के में हुआ है क्या हुआ है वो एक अलग मैटर करता है, दुनिया ने ये कला सीखी, मतलब दुनिया के पास ब्रेन था, आपके पास अभी ये ब्रेन नहीं है कि आप अडॉप्ट कर पाओ इस तरीके की चीजें। और रही बात फील्डिंग की और इस तरीके की चीजें, तो भैया आप पहले अपना फील्डिंग स्टैंडर्ड देखिए, आपके प्लेयर्स मैच में, ये जो आपका जो भी काउंटी मैच हो रहा है या किस तरीके का मैच हो रहा है, जो भी मुझे नहीं पता है क्या मैच हो रहा है, उसमें कोका कोला पी रहे, ये आपने फील्डिंग का स्टैंडर्ड बना रखा है, ये आपकी डाइट है, ये आपकी खुराक है, इस तरीके की चीजें आप मैच में करते हो, और उसके बाद आप बोलते हैं हमारे प्लेयर्स ऐसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं कर पा रहे। ये रिजवान का वीडियो जहां पे वो कोका कोला पी रहा है पिच पे बैठ के, अब ये आपके हाल है, ये आपकी डाइट है, ये आपकी मील है, इस तरीके की आपकी प्रिपरेशन है, तो आपका सुपर 8 में आप फिर कैसे जाओगे?
हमेशा वो आदमी जो खुद किसी तरह से सक्सेस नहीं हो सकता वो दूसरों पे उंगलियां उठाता है, जैसे कि आप उठा रहे हो, और ये बहुत ही गलत है। ये आने वाले टाइम में आपको आड़े पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, इसके अंदर मैं रीजन बताता हूं आपको, कि जब आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही है तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि हम गलत कहां कर रहे हैं। आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि जो सही कर रहे हैं उसको हम कैसे थोपे उससे कि तुम गलत कर रहे हो। वो सही कर रहा है, वो मैच जीत चुका है, वो एक भी मैच नहीं आ रहा है, वो आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुका है, वो चैंपियन बन चुका है, वो अब रिकॉर्ड बुक में उसका रिकॉर्ड चढ़ चुका है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इतना कर सकते कि आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि हाँ आपने बहुत अच्छा खेला है और हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, ये कर सकते। तो तीनों आपके तर्क थे वो सो कॉल्ड किसी तरह से वाजिब और सही नहीं थे, किसी तरह से सही नहीं थे। इंडिया चैंपियन बन चुका है और इंडिया चैंपियन आपको ना मानते हुए भी आपको अब ये मानना ही पड़ेगा कि भैया इंडिया चैंपियन हो चुका है। इंडिया 2024 टी20 वर्ल्ड कप जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ उसका चैंपियन बन चुका है और अब रिकॉर्ड बुक में ये चीज चढ़ चुकी है। आप जैसे कुछ लोगों के मानने नहीं मानने, इस तरीके की कुत्ते बिल्ली वाली बात बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चैंपियन बन चुके हैं। हम एज ए इंडियन क्रिकेट टीम के फैन इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे और आप चलते रहिए। जय श्री राम।